एक ओर जहां देश आजादी का अमृत उत्सव मना रहा है, वहीं कटनी जिले में 250 परिवारों की आदिवासी बस्ती में आज तक शासन की कोई भी योजना नहीं पहुंच पाई है। हम बात कर रहे हैं विजय राघव गढ़ विधानसभा की जनपद बड़वारा में आने वाले छोटे से गांव कच्छ डारी की। रेलवे स्टेशन के पास लगभग 10 से 12 वर्षों से करीब 250 से अधिक लोग अपने परिवार के साथ निवास करते हैं। इनको शासन की तरफ से बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा, चिकित्सा जैसे मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। आदिवासियों के लिए गुजर बसर करना मुश्किल हो गया है। पीड़ित आदिवासियों का कहना है कि शासन की योजनाएँ हमसे कोसों दूर हैं। जिला प्रशासन जल्द से जल्द हमारी ओर ध्यान दे ताकि हमें भी योजनाओं का लाभ मिल सके। इसमें सब समझता है कि आप यहाँ कोई स्कूल भी नहीं है और आपका ये नहीं है, लाइट भी नहीं है और हैंडपंप का पानी भी नहीं है। कम से कम 100-150 जनता करीब है, जनसंख्या समय में ऐसे आ जाता है कि पानी को लला लला रह जाते हैं। लगता कि आप कहाँ से पानी भर के ले आए, पानी की भी दिक्कत आ जाता है। कितने बच्चे यहाँ पे, कितने बच्चे हो रहे हैं स्कूल नहीं जा पा रहे हैं? किस वजह से नहीं जा पा रहे हैं? लैंड हेल्थ वजह से। और दूरी का भी वो है? दो तीन किलोमीटर। अच्छा, कम होता अपना गांव का नाम धराया गया है तो यहाँ कम से कम तो सर यहाँ को 8-10 साल होते होंगे और आज तलक भी हमारा यहाँ कोई योजना नहीं बच्चों का लिए, न कोई रास्ता मिला है, न कोई आज तलक सरकार का ऐसी मकान मिला है, न कुछ पानी आज तलक भी मिला है। और इसके अलावा कुछ नहीं मिला, आवास नहीं मिला? नहीं मिला, घर मिला। क्यों क्यों आवास नहीं मिला? आप पंचायत गए हैं क्या? पंचायत से बात किए हैं? गए हैं साहब, घर मिला है, इधर आ गए। हम हथेड़ा के हैं रहने वाले, लेकिन यहाँ 10-15 साल से हम लोग रह रहे हैं, निवास कर रहे हैं। लेकिन हमारे जो हथेड़ा में, मेरा एक घर हथेड़ा में भी है, हथेड़ा में मैं रहता हूँ, छोटा मोटा घर है, वहाँ पे रहता हूँ। कम से कम मेरे को 2-3 साल हो गया फॉर्म किए हुए और सेक्रेटरी और सचिव से बोलता हूँ कि मेरे आवास का घर क्यों नहीं आ रहा, तो बोलते हैं आएगा आएगा आएगा, ऐसे करके डाल देते हैं। बल्कि 2-4 बार भी बोला, कुछ नहीं हुआ। ये आपके माध्यम से मुझे आज जानकारी प्राप्त हुई है, मैं इसको एक बार सत्यापित करवा करके इसके अगर कोई कारण है तो उनको पता करता हूँ, और यदि फिर कुछ समस्या हमारे सामने आती है तो उसका हम उचित निराकरण करवाएंगे और जो कार्रवाई आवश्यक लगती है वो करेंगे।